नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है। ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है कारण। तबीयत खराब होने का मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाने हैं। SMS अस्पताल से डॉक्टरों की टीम मंगलम बुलाई गई है। डूडी की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका हालचाल लिया है। अस्पताल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए, हालचाल जाना। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीर। रामलाल जाट भी नजर आ रहे हैं, साथ में अन्य भी नेता मौजूद हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हुई है, तबीयत नासाज है, ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है तबीयत खराब होने का कारण। लक्ष्मण, अचानक से तबीयत यूं खराब होना रामेश्वर डूडी की? तो स्वास्थ्य क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रेन हेमरेज हुआ, सुबह उनको जाना था, कुछ नेताओं से उनकी बात हुई थी, अलवर आज पहुंचना था, वहां पर टिकटार्थियों से मुलाकात करनी थी, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल ले जाया गया मंगलम, ब्रेन हेमरेज कारण बताया गया। जैसे ही खबर मुख्यमंत्री को मिली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हॉस्पिटल पहुंच गए, मंत्री रामलाल जाट, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, ये तमाम नेता मौजूद हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, SMS मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, एक चिकित्सकों की टीम बनाई गई है जो रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य पर नजर रखेगी। कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन जो है किया जाएगा। अभी जानकारी ये मिली है कि अभी भी वो बेहोश हैं, अनकॉन्शियस हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए थोड़ी सी चिंता की बात है। पहले एक खबर आई थी हल्का सुधार है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अभी भी स्थिति चिंताजनक है। तो सब लोग दुआ कर रहे हैं, उनके समर्थक और जो भी शुभचिंतक हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से स्वस्थ हो। और कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मसले में जैसे ही जानकारी मिलती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं, डॉक्टरों को निर्देशित करते हैं। इसके अलावा बीकानेर से भी कई नेता रवाना हुए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राम सियाग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो है स्थिति जो है ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि निश्चित तौर पर देखिए थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन वो धैर्य और धीरज यही बना रहे हैं सब कुछ ठीक होगा। ठीक है लक्ष्मण, हालांकि अपडेट आप बता रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर, आपसे लगातार हम जानकारी लेते हैं।